भारत की चाल में फंस गए दुनिया भर में हंगामा करने वाले 57 मुस्लिम देश। जो लोग कह रहे थे कि भारत मुस्लिम देशों के सामने झुक गया, सच्चाई तो यह है कि यह देश मोदी की चाल में फंस गया। पीएम मोदी और शाह कुछ भी फैसला लेते हैं उसके पीछे की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। पीएम मोदी अब जो भी करने वाले हैं इसके बाद यह मुस्लिम देश बर्बाद हो सकते हैं। पीएम मोदी का पूरा प्लान जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यह बात हर कोई जानता है कि रूस भारत का दोस्त है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद से हंगामा मच गया है। सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा भारत में हो रही है। दावा किया जा रहा है पुतिन बहुत गुस्से में हैं और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर खुद पीएम मोदी से फ़ोन पर बात करने वाले हैं और इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत ने इस मुस्लिम देशों को भाई की तरह माना। जब कोरोना से पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे तब अमेरिका ने भी मदद करने से हाथ खड़ा कर लिया था। तब भारत ने सिर्फ 7 दिन के अंदर सारी मदद पहुंचा दी थी। इन देशों ने कहा था कि भारत का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और हमेशा भारत के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में अपनी असलियत दिखा दी। लेकिन पीएम मोदी और पुतिन जो करने वाले हैं इसके बाद यह देश बर्बाद हो सकते हैं। भारत कुछ हद तक तेल इन्हीं देशों से लेता है, इसलिए यह देश भारत को अकड़ दिखाते हैं, लेकिन यह अकड़ अब खत्म हो जाएगी। भारत ने तय समय में 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब 2025 तक इसको बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। भारत को करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा विदेशी पैसे की इससे बचत हुई है और भारत बिजली से चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा दे रहा है। मतलब यह और ज़्यादा अकड़ दिखाएंगे तो भारत इनसे तेल खरीदना ही बंद कर देगा। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर इन सभी मुस्लिम देशों के लोग भारत से गया अनाज खाते हैं और अगर भारत ने देने से मना कर दिया तो आप खुद समझ लीजिए कि इन देशों की क्या हालत होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम देशों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत गुस्से में हैं। इसकी वजह पुतिन का एक ऐसा बयान है जिसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान देने के बाद पुतिन ने यह बयान दिया है। इस बयान में पुतिन कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद का अपमान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं को चोट पहुंचाता है। मुस्लिम कट्टरपंथी और भारत के अंदर पुतिन के इस बयान को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि यह बयान 1 साल पुराना है। पुतिन ने 23 दिसंबर 2021 को अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में फ्रांस के शार्ली हेप्टो और इस्लाम विवाद में यह बयान दिया था। रूस भारत का दोस्त है, ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन इसकी वजह से बहुत गुस्से में हैं और खुद मोदी जी से बात करने वाले हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन भारत को कच्चा तेल पूरा देने को कह सकता है। अगर ऐसा होता है तो अरब देशों से भारत तेल खरीदना ही बंद कर देगा और अनाज फल भी नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो भारत को अकड़ दिखाने वाले ये देश भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगेंगे और इनकी सारी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, पीएम मोदी को क्या करना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।